तो टेंशन लेने की कुछ जरूरत नहीं भाई, ज्यादा बोल रहा हूँ क्या मैं। हेलो गाइस, आई एम ओम दत्त फ्रॉम ऑसम चैनल डीडीआर ओम दत्त। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो फिलहाल तो अभी हो रहे सुबह सुबह बारिश इधर गांव में, वेदर थोड़ा क्लाउडी हो रहा है। तो अभी चलते टेरेस पे और गाइस, ये जो ऊपर के बाल थे ना ये वाले, तो ये उड़ा दिए क्योंकि भाई जो बहुत ही बड़े हो गए थे ये, और ये साइड के, और ये अपने को थोड़े सेम रखने हैं क्योंकि ये भी बढ़ाने हैं, ये साइड के बढ़ाने हैं और ये भी बढ़ाने हैं, मतलब ऐसे पूरे पीछे लगाएंगे वो। तो अभी चलते हैं टेरेस पे ऊपर और Run. ऊपर आ गई तो बारिश रुक गई, मतलब अभी तक बारिश चालू थी लेकिन। तो गाइज अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश चल रही है, मतलब इतनी सी छोटी, मतलब थोड़ी थोड़ी बारिश चल रही है, लेकिन समझ रहा नहीं आपको, कैमरे में दिखेगा नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी बारिश फील हो रही है मेरे को, मतलब। और ये देखो, मतलब सुबह से ऐसा वेदर है, अभी अभी थोड़ी कम हुई बारिश, नहीं तो सुबह से मतलब थोड़ी अच्छी खासी थी, अभी अभी कम हो गई। तो गाइस ये ब्लॉग छोटा ही होगा क्योंकि ये ब्लॉग मैं बनाने वाला नहीं था, लेकिन थोड़ा अपने भाई लोगों को बता रहे थे क्या है। तो लेकिन जो मैं इसके मतलब ब्लॉग बनाने वाला था वो गांव में जो गणपति चल रहे ना, अभी गणपति आने वाले अगले मंथ्स में, तो वो बना रहे गणपति, तो वो वीडियो बनाने वाला था मैं, लेकिन इसके अगला ब्लॉग आएगा वो, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा सा आएगा, उसके अगला वाला गणपति बप्पा का आएगा। हाँ डोरेमोन, क्या हालचाल भाई, किधर देख रहा है भाई तू? हाँ न्यूज़ पढ़ रहा, अच्छा न्यूज़ पढ़ रहा है। हाँ डोरी, ये देखो भाई इधर से कितना प्यारा व्यू आता है, इधर सब खेत ही खेत, थोड़े गांव के बाजू में बाहर कितना प्यारा व्यू है। व्हाट, क्या हो गया भाई? भाई ये चप्पल देखो कीचड़ से कितनी गंदी हो गई, फ्लिपकार्ट से बुलाई थी नहीं, 4-5 दिन हो गए। हाँ तो अभी गाइस मेरी बात ध्यान से सुनो, मतलब अभी आज की डेट है 22 है जुलाई, तो ठीक है 8-1 दिन में अपना 12th का रिजल्ट लग जाएगा, मतलब 2 या 3 अगस्त को रिजल्ट आ जाएगा 12th का। तो अभी मैं 18 कंप्लीट हूँ, ठीक है, तो 18 कंप्लीट जो जो भाई है ना, तो देखो भाई तुम अभी 18 कंप्लीट है तो पहले अपने काम कर दो, जब तुम कॉलेज ढूंढोगे कॉलेज के वक्त आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेगी आपको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई कि अपन ने तब निकाल लिया होता तो अच्छा रहता। तो देखो भाई आप अगर 18 कंप्लीट हो तो आप पैन कार्ड निकाल लीजिए, लाइसेंस अपना ड्राइविंग लाइसेंस कार लाइसेंस जो भी होगा वो कर दीजिए, और बाद में आधार कार्ड अपडेट भी होता है ना, आधार कार्ड अपडेट भी कर दीजिए। और गाइज और कौन से कॉलेज में आपको आगे का क्या प्लान है वो सब तय कर दीजिए, मतलब क्योंकि आपको जब रिजल्ट लगेगा तब आपको इस सारे झंझट में पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप आधार कार्ड अपडेट करने में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, तो अपडेट कर दीजिए, ठीक है। उधर जाना पड़ता आधार कार्ड लेके, जहाँ पे भी आपने निकाला है, मतलब किधर पे जो करता आधार कार्ड का काम, तो उधर जाने का, ठीक है, और उनको बताने का आधार कार्ड अपडेट करना है। तो फिर बैठाते फिंगर्स का वो स्प्रिंट निकालते, थंब का, और अपना फ़ोटो वगैरह निकालते, आइस का लेते कुछ, और अपडेट कर देते 150 रुपये में। और पैन कार्ड भी निकाल दीजिए भाई, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है आगे। और कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो रहता ना कुछ, वो भी निकाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि बाद में आपको मतलब ऐसा नहीं होना कि बाद में यार पछताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तुम बोलोगे भाई ये तो बेसिक चीज़ें हमको पता है, लेकिन कुछ कुछ बच्चे रहते ना अभी खाली वक्त, आप खाली दिन भर बैठे ही रहते, मैं भी दिन भर बैठा ही रहता, तो सोचा कि कुछ मतलब सोचा नहीं, मुझे भी मेरे दोस्त ने बताया, इसलिए मेरे दिमाग में घुसा है कुछ ऐसा करके, क्योंकि आगे कुछ ऐसा नहीं होगा। तो थैंक यू भाई, और तुमको बता रहा मतलब काम ही है मेरा बताना। तो गाइस सारे कॉलेज लोगों, मतलब महाराष्ट्र के सारे कॉलेज को बोला है कि 23 जुलाई को तुम्हारा सारा मतलब डेटा जो रहता बच्चे लोगों का सारे रिजल्ट का, तो वो उसमें वो बोर्ड की एक लिंक रहती है उसमें भेज दो, मतलब वो अगर अच्छे से हुआ तो
तो 8 दिन में लग जाएगा रिजल्ट, नहीं तो अगर वो चीज़ अच्छे से नहीं हुई 23 जुलाई तक सारे कॉलेज ने अगर डेटा गवर्नमेंट को नहीं दिया तो रिजल्ट मतलब डिले हो सकता है, मतलब लेट हो सकता है। अगर 23 अप्रैल तक अच्छे से चला तो 1-2 अगस्त को लग जाएगा शायद से रिजल्ट, क्योंकि जो हाई कोर्ट ने रखा था कि जो 31 जुलाई तक रिजल्ट लगना है, लगने को होना 12th का, लेकिन ऐसा हो रहा तो देखो भाई तुम भी और सोचो, और जो भाई मेरे जैसे 12th में है, मतलब 12th में थे, तो टेंशन लेने की कुछ ज़रूरत नहीं भाई, जो मार्क्स गिरेंगे वो मार्क्स गिरेंगे, क्योंकि 10th के बोर्ड के मार्क्स और 12th के बोर्ड के मार्क्स कुछ मायने नहीं रखते, क्योंकि अपने आप फ्यूचर में कि नहीं ये कोई पूछता नहीं यार 12th के मार्क्स और 10th के मार्क्स क्या है, तो बोर्ड के भी कोई पूछता नहीं, उस परसेंटेज के कुछ काम की नहीं है, सिर्फ आप मतलब अच्छे से पढ़ाई करो ज़िंदगी में, अच्छे से मतलब ज़्यादा बोल रहा हूँ क्या मैं, ठीक है, अच्छे से रहो। तो भाई मैं कह रहा था जैसे 10th और 12th के मार्क्स बोर्ड के मार्क्स कोई मायने नहीं रखते, जो अपने पास प्रेजेंस ऑफ माइंड है, टैलेंट है, जो अपने पास स्किल है वही मायने रखेंगे फ्यूचर में, तो इतना कुछ टेंशन मत लो यार। अंडे दिए वही अंदर तो गाइस बस यही छोटी सी वीडियो आपको मतलब कुछ बातें शेयर करनी थी, तो ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए पीस, लव फ्रॉम मास्टर, लव फ्रॉम बुलढाणा। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही।